हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं झांसी से मंजू, होप करती हूँ आप ठीक से होंगे। आपने मेरा हाइड्रोपोनिक पे एक वीडियो देख लिया होगा। अब मैं आपको दूसरी टेक्निक से बता रही हूँ जिसमें मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है, तो आपने वो कैसे बनाना है। तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी प्लांट को सपोर्ट के लिए, और क्योंकि मैंने उसका प्लांट का जो प्लांट तैयार करने के लिए बीज बोया था, तो वैसे तो मैं सिर्फ पानी में भी लगा सकती थी, पर वो मैंने मिट्टी में लगाया था। और फिर मिट्टी में तो इतना ज़्यादा उसने फैलना नहीं था, तो फिर नीचे जो मैंने उसके नीचे कटिंग लगा दी थी, तो पॉट में वो पानी जैसे जुड़ रहा था और नीचे जड़ें जा रही थी। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। ये मेरा हाइड्रोपोनिक प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट, ये मेरा हाइड्रोपोनिक प्लांट है, और ये मेरा एक शिमला मिर्च का प्लांट है, और ये भी मेरा हाइड्रोपोनिक प्लांट है। तो कैसे बनाना है आपने? तो इनमें मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई है। ये देखिए, बिल्कुल भी यूज़ नहीं है इसमें मिट्टी। ये मिट्टी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई है। तो इनको आपने कैसे बनाना है, मैं ये तरीका बता रही हूँ। ये बोटल्स तो आपको कोई भी किसी भी तरह के घर में मिल जाएंगी। तो मेरे मेरे पास तो ये वो यूटेंसिल साफ़ करने की, ये प्रिल की बोटल्स ये खाली पड़ी थी, और बाकी कोई भी बोटल्स ले लो आप, खाली कांच का जार भी ले सकते हो और दूसरी कोई भी प्लास्टिक की बोतल और भी ले सकते हो। जैसे कि ये भी मेरी एक बोतल खाली पड़ी है। ये अब इसमें दिखाऊंगी मैं कि कैसे बनाना है आपको। और ये बहुत ही इजी टेक्निक है, बस नाम इसका बड़ा भारी भरकम है और बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, और प्लांट आपके इतने अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अगर आपके घर में बड़ी सी खिड़की है जहाँ थोड़ी सी धूप आती है, तो इनको आप अंदर भी रख सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी धूप चाहिए इन प्लांट्स को, तो उसमें हरे भरे रहेंगे ये। तो मैं तरीका बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। जैसे ये एक खाली बोतल मैंने ले ली, और ये नेक मैंने दूसरी बोतल की, जैसे इसकी एक और बोतल में मैंने कोई प्लांट लगा रखा था तो उसकी कटिंग की थी, ये उसका ऊपर का हिस्सा था। तो इस बोतल को मैंने ये इसका ढक्कन निकाल दिया, और ऊपर से मैंने ये दूसरी बोतल की जो कटिंग की थी नेक, ये लगा दी। और अभी स्पंज का इसमें बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है, और स्पंज का भी ले सकते हो। अगर आपके पास स्पंज का टुकड़ा नहीं है तो आप कॉटन ले सकते हो। कॉटन तो क्योंकि हर घर में रखी मिल ही जाएगी, तो आप ऐसा करें, पहले ये स्पंज का टुकड़ा इसमें ऐसे थोड़ा सा होल कर लें, और होल करके फिर आप किसी भी प्लांट की, अगर कटिंग से लगाना तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो उसको। अगर आप आपने कटिंग से नहीं लगाना तो आप इस उसमें ऐसे करके ये इसको ऐसे रखना है। ये पानी तो इसमें डला है तो ये पूरा गीला हो जाएगा। तो इसमें आप कोई भी बीज डाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें शिमला मिर्च का बीज डाल सकते हो, ये इसमें शिमला मिर्च का बीज डाल सकते हो, चाहे तो आप इसमें कोई मतलब आपके पास प्लांट तैयार है तो उसके रूट्स ये नीचे से निकाल के तो इसमें आप लगा सकते हो। तो मैं आपको एक कटिंग बता रही हूँ, ये मेरे पास एक ऑर्नामेंटल प्लांट की ये कटिंग, ये है एक कटिंग। तो मैं इसको, इस कटिंग को मैं किस तरह से लगाऊंगी, ये मैं इसको कुछ इस तरह से स्पॉन्ज के बीच में ऐसे दबा दूंगी, इस तरह से दबा दूंगी इसको, और ये ऐसे दबा दूंगी। और इसमें आप देखेंगे कि 3-4 दिन के बाद रूट्स आना ये स्टार्ट हो जाएगा, ये
ये दबा दें इसमें और रूट्स आके इसके नीचे पानी में यहाँ जाती रहेंगी, तो यहीं से वो ये पानी लेती रहेंगी और ये फिर ऊपर प्लांट को पहुँचाएंगे, तो प्लांट आपका बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो इसी तरह से ये मेरा शिमला मिर्च का प्लांट है, शिमला मिर्च का प्लांट भी मैंने इस तरह से लगाया, ये देखिए ये ढक्कन और ये इसकी ये रूट्स देख रहे हैं, ये देखिए। और इसको मैंने फिर बस ऐसे बोतल पे रख दिया, ये पानी की भरी बोतल है और इस पे मैंने ये ऐसे लगा दिया, ये मेरा शिमला मिर्च का पौधा, तो वो स्पॉन्ज गीला रहेगा और जड़ें वो स्पॉन्ज से पानी लेती रहेंगी और स्टेम तो उसके ऊपर रहेगी, अगर स्टेम भी पूरी हम पानी में डालते हैं तो वो गल के ख़राब हो जाएगी, सिर्फ हमें रूट रूट उसकी डालनी है, रूट जो रूट्स होती हैं वो नीचे जाएंगी और वो अपने आप पानी सक करती रहेंगी और ऊपर प्लांट को पहुँचा देंगी। और इसी तरह से मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगाया, ये ऐसे इसका हिस्सा ये बोतल का ऊपर का हिस्सा काट के इसको उल्टा करके ऐसे लगा दिया और स्पॉन्ज के बीच में मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगा दिया और फिर कुछ इस तरह से इसको थोड़ा प्रेस कर दिया, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोपोनिक प्लांट। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से पानी में ही ग्रो करेंगे और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो लास्ट टाइम तो मैंने बहुत सारे तरीकों से किए थे, मैंने एक साबुत बोतल लेके उसके ढक्कन में होल करके और मैंने उसमें मैरीगोल्ड का एक प्लांट लगाया था, तो वो खूब सारी रूट्स आ गई थी, उसमें फ्लावर्स भी आए थे और जब उसका सीज़न हुआ तो फिर प्लांट वो उसके बाद मर गया था वो प्लांट, तो खूब सारे फूल आए। तो ये टेक्निक है बहुत ईजी, बाकी आप फिर अपने तरीके से अपना दिमाग यूज़ करके कैसे भी आप बना सकते हो। एक तरीके से यही हुआ कि आपको पानी के बीच में पौधा चलाना है और बस उसकी स्टेम ऊपर है, चाहे तो आप जेली बीन्स भी डाल सकते हो, जेली बीन्स क्योंकि वो पानी में डाल के फूल जाती हैं और गीली रहती हैं, तो नीचे पानी भर के ऊपर के हिस्से में थोड़ा कॉटन डाल के फिर जेली बीन्स भर दो और ऊपर आप उसमें कोई भी बीज लगा दो, या आप कोई कटिंग लगा सकते हैं, या आपके पास कोई पौधा तैयार है तो उसकी जड़ के साथ लगा सकते हैं, तो फिर वो नीचे पानी की तरफ जाता रहेगा और ऐसे ही वो तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत इजी है, तो आप अपने घर में ये सब ज़रूर करेंगे और आपके पास बड़ी सी विंडो है घर में और जहाँ पे खूब सारी धूप आती है, तो आप घर के अंदर भी ये प्लांट्स लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।